हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये चौथी सीरीज है। बिना विलंब किए हुए चलिए देखते हैं कि समसामयिक घटनाएं 2018 की आपकी तैयारी कैसी है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। टोटल इसमें 30 प्रश्न रहेंगे। आप पेन और पेपर लेकर तैयार रहिएगा ताकि आपको खुद को पता चले कि आपका कितना मार्किंग हुआ है। इसको बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस अस्पताल को दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें टोटल बेड कैपेसिटी होगा 5,462। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है बेड के हिसाब से, बेड कैपेसिटी के हिसाब से। एम्स नई दिल्ली, पीएमसीएच पटना, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा बनने जा रहा है? चलिए इसका आपने मार्क कर लिया। सही जवाब है दोस्तों इसका पीएमसीएच पटना। इसकी घोषणा कल ही हुई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कहां पर भारतीय मूल के संसदों का पहला सम्मेलन बुलाया गया था? भारतीय मूल के संसदों का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, कहां पर हुआ था? मुंबई में, पुणे में, पटना में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं है। एक से अधिक भारतीय मूल के सांसदों का सम्मेलन, पहला सम्मेलन कहां हुआ था? चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली में हुआ था 9 जनवरी 2018 को। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस पानी के जहाज पर समुद्री रास्ते के सफर करते हुए, जिसमें कि सभी जो क्रू मेंबर थी सारी महिलाएं थी, उस शिप का नाम क्या था? उस पानी के जहाज का क्या नाम था? पूरा दुनिया का ये सैर की थी, आपको पानी के जहाज का नाम बताना है। INS नंदिनी, INS तरिनी, INS गायत्री, INS जाह्नवी, इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक आपने सोच लिया। भारतीय नौसेना का था ये, उसमें सारी महिलाएं सिर्फ थी, पुरुष एक भी नहीं थे। चलिए मैं ऑप्शन बताता हूं। आंसर इसका ऑप्शन है दोस्तों इसका INS तरिनी। INS तरिनी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने ये रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के मुताबिक कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा था? कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? 3.1%, 2.2%, 2.1%, 2.8%, इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक कृषि क्षेत्र की विकास की वृद्धि दर आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के हिसाब से कितनी रही थी? चलिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.1%। क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। भारत 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन गई है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरा है, पिछले 3 साल का औसत वृद्धि दर GDP का रहा है 7.5%। चौथा स्टेटमेंट है, भारत ने फ्रांस की के अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपने सोच लिया? चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 5th लार्जेस्ट नहीं बल्कि इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, टॉप 5 भी आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 पर है USA मतलब अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवा पे UK। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द अनुमान लगाया जा रहा है कि 2019 में हम लोग UK को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी हम लोग 6th नंबर पर है। ठीक है, और फ्रांस को भी हमने, हम लोग 7वें नंबर पे थे, हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले फ्रांस को पीछे छोड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये कैसे कैलकुलेट होता है? PPP मॉडल पे होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने क्लीन अथॉरिटी ऑफ टोक्यो के साथ मिलकर ठोस कचरा प्रबंधन मैनेजमेंट का के साथ MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ किया है? ठोस कचरा प्रबंधन के लिए किस राज्य ने क्लीन अथॉरिटी ऑफ टोक्यो से
MOU साइन किया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सोच लिया? चलिए, सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ही रहा। निम्नलिखित में से किस देश में पानी के अंदर सबसे लंबी सुरंग का पता लगा है? अंडर वाटर सबसे लंबी सुरंग दुनिया का कहां पे अभी डिस्कवरी हुई है इसकी? अमेरिका में, कनाडा में, मेक्सिको में, चिली में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पानी के अंदर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का पता चला है, कहां पर है? चलिए, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेक्सिको, और ये 215 मील लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। भारत का पहला ब्लॉकचेन एकेडमी किस राज्य में स्थापित होने वाला है? भारत का पहला ब्लॉकचेन एकेडमी कहां पर स्थित होने वाला है? कर्नाटका में, केरल में, गुजरात में, हरियाणा में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सोचिए, ब्लॉकचेन एकेडमी, सोच लिया आपने? चलिए, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरल में IITMK है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, केरला, और ये तिरुवनंतपुरम में है, और इसको हेल्प कर रहा है लाइनक्स फाउंडेशन ब्लॉकचेन एकेडमी बनाने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने। निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री बन गई है, जिसने नीचे लिखे निम्नलिखित मिलिट्री प्लान को उड़ाया है। हवाई जहाज पर को उन्होंने उड़ाया हुआ है, तेजस को, MiG-21, बोइंग CH-47F चिनूक, बोइंग C-17, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। निर्मला सीतारमण पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है जिन्होंने ये फाइटर प्लेन को उड़ाया है। क्या नाम है प्लेन का, आपने सोच लिया? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है Sukhoi-30MKI। ठीक है, Sukhoi-30MKI उस पर सवार हुई थी, और ये जोधपुर राजस्थान से इसने उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ही रहा। भारत का पर्यावरण सुरक्षा सूचकांक, भारत किस नंबर पर है? पर्यावरण सुरक्षा सूचकांक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, 177, 77, 137, 157, टोटल 180 देश का रैंकिंग निकला था, और भारत का रैंक रहा था दोस्तों, आपने मार्क कर लिया, भारत का रैंक रहा था 177। बहुत ही खराब रैंक है, हम लोग को पर्यावरण सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया है? किसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का निदेशक बनाया गया है? इससे पहले के सिवन निदेशक थे, उनको इसरो का चीफ बनाया गया है, तो अभी कौन है, किनको बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, डी अग्निहोत्री, सी वेंकटेश, वी वाला सुब्रमण्यम, एल हरिहरन, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक किसे बनाया गया है? चलिए, इसका सही जवाब मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, इनका नाम है, इनमें से कोई नहीं, इनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम, केरला में है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। भारत पर्व 2018 जिसे कि भारत सरकार ने 26 से 31 जनवरी के बीच मनाया, वो कहाँ मनाया था? इंडिया गेट पर, गेटवे ऑफ इंडिया पर, लाल किला पर, कुतुब मीनार पर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत पर्व 2018 जो कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है, हर साल मनाया जाता है, तो इस बार कहाँ मनाया गया था, ने मार्क कर लिया? चलिए, इसका सही जवाब है दोस्तों लाल किला। वैसे ये इंडिया गेट पे हर बार मनाया जाता है, लेकिन इस बार लाल किला मनाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। इस बार का भारतीय आसियान जो कमेमोरेटिव मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में, तो उसका थीम क्या था? वहां पर दिल्ली डिक्लेरेशन भी जारी हुआ है, इंडिया और आसियान के देशों के बीच में जो मीटिंग हुई थी, तो क्या उसका थीम क्या था उसका मीटिंग का? फेस फ्यूचर कॉमन स्ट्रेटजी,
बिल्डिंग ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म, इसको तो अंग्रेजी में ही आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन वैल्यूज शेयरिंग डेस्टिनी, शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी, क्या था उसका थीम? चलिए सही जवाब मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस देश ने सेशल्स, एक इंडियन ओशन में भारत हिंद महासागर में एक सेशल्स देश है, सेशल्स देश के साथ मिलकर के एजम्सन आइलैंड, एजम्सन द्वीप में नौसेना का एक मिलिट्री बेस बनाने की घोषणा की है, सेशल्स के साथ मिलकर के एजम्सन आइलैंड में, कौन सा देश बना रहा है? भारत, चीन, फ्रांस, जापान, कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत, भारत ही बना रहा है। और ये किस कंपटीशन में बना रहा है? चाइना ने सबसे पहला अपना विदेशी बेस बनाया है जिबूटी में, जिबूटी अफ्रीका का एक देश है, लाल महासागर से सटा हुआ है, और सेकेंड बेस चाइना ने बनाया है पाकिस्तान में, ये भी ध्यान रखने लायक है, लेकिन यह एजम्सन आइलैंड में सेशल के साथ भारत में बनाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान इनिशिएटिव, महिलाओं के स्वास्थ्य और सफाई के लिए लिया है, स्त्री स्वाभिमान इनिशिएटिव? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ग्रामीण मंत्रालय, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास, सूचना तकनीक। किस मंत्रालय ने ये इनिशिएटिव लिया है, स्त्री स्वाभिमान इनिशिएटिव, महिलाओं के स्वास्थ्य और सफाई के लिए? चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये महिला और चाइल्ड हो सकता है, जी नहीं, हेल्थ भी नहीं है, इसका सही जवाब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस बैंक को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, किस चीज में पैसा मिला है? भारत सरकार ने बैंकों में फिर से पैसा डाला है, कितना पैसा डाला है? 7577 करोड़, रिकैपिटुलेशन किया है, छह जिसका बैंक का परफॉर्मेंस खराब था, पुनर्पूंजीकरण, फिर से उसमें पूंजी डाली है, तो सबसे ज्यादा किस बैंक को पैसा मिला है? यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र? चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों, क्या है सही जवाब इसका? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईडीबीआई बैंक, इसको 2729 करोड़ मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला तैरता हुआ बाजार बना है, सबसे पहला तैरता हुआ बाजार, फर्स्ट फ्लोटिंग मार्केट, जो कि पानी पर तैरता हुआ मार्केट है, किस शहर में? गोवा में, कोलकाता में, श्रीनगर में, बेंगलोर में? सोचिए इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में, और वो कहां पर है? पतुली झील है, वहीं पर है, वहां पर 228 दुकानें होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। एक भारत का लड़का था, भारत मतलब इंडियन बॉर्न था, जिसने आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस को मेंसा आईक्यू टेस्ट में हराया है, मतलब उसका दिमाग इतना तेज है कि आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस ने जो मेंसा आईक्यू टेस्ट दिया था उनसे भी ज्यादा मार्क्स आया है। भारत इंडियन ऑरिजिन बॉय है ये, उनका नाम क्या है? अर्णव उपाध्याय, सुमित भंडारी, ध्रुव गर्ग, मेहुल गर्ग, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, इंडियन ऑरिजिन बॉय। चलिए इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेहुल गर्ग। ठीक है, ये मात्र 10 साल का है, और ये ध्रुव गर्ग जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये पिछले साल 2017 में सबसे टॉप स्कोर किया था, ये 13 साल का है अभी, तो इसका भाई मेहुल गर्ग, ये ध्रुव गर्ग था, इसने आइंस्टाइन और हॉकिंस को पीछे नहीं छोड़ा, सिर्फ टॉप स्कोरर रहा था, लेकिन मेहुल गर्ग ने दोनों को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में गलत है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? जब आप डोनेशन देना चाहते हैं डिजिटली किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, डिजिटल ट्रांजैक्शन करके, तो उसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, एक जारी करती है बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होता है, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हम लोन ले सकते हैं, तीसरा ज्वाइंट होल्डिंग अलाउड है, मतलब एक से ज्यादा आदमी उस बॉन्ड को, एक ही बॉन्ड को एक से ज्यादा आदमी होल्ड कर सकते हैं, और नंबर डी ऑप्शन है कि मिनिमम लिमिट, सबसे कम आप 1000 रुपये आपको दें, 1000 रुपये से कम आप
का बॉन्ड आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, एक से नहीं। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चलिए इसका सही जवाब बताता हूँ दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गलत है, क्योंकि आप उस पर लोन नहीं ले सकते इलेक्टोरल बॉन्ड पे, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ इलेक्ट्रिकल हो गया, इसको सुधार कर लीजिएगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के मुताबिक भारत में बेरोजगारी की दर कितनी रहने वाली है 2018-19 में? 4.2%, 3.5%, 3%, 5.5%, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, के हिसाब से। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कौन सी रिपोर्ट जारी की थी? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये जारी की थी रिपोर्ट, उसमें ये रिपोर्ट आई है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, 3.5% रहने वाली है बेरोजगारी की दर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी किताब जाने माने ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है, जो जिनका देहांत कुछ ही दिन पहले हुआ है, स्टीफन हॉकिंस अब हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी किताब का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, सेकंड है द यूनिवर्स इन ए नटशेल, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। स्टीफन हॉकिंस द्वारा लिखी गई किताब, क्या है नाम उनका? चलिए इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, सभी है, सारे बुक लिखे हैं स्टीफन हॉकिंस ने, ठीक है, तो ये ध्यान देने लायक बात है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। एम सिप्स, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, किससे संबंधित है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में क्या होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल नहीं होते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में होता है होटल, होटल होते हैं, टूरिज्म होते हैं, तो वो सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड है, रियल इस्टेट जो जमीन के कारोबार होते हैं उससे संबंधित है, या फाइनेंशियल वित्तीय सेक्टर। एम सिप्स किससे रिलेटेड है? चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों बी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जरूर से रिलेटेड है ये एम सिप्स। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। अभी वर्तमान में बिम्स्टेक के चेयरमैन कौन है? बिम्स्टेक के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? मैत्रीपाला सिरिसेना, रनिल विक्रम सिंघे, खरगा प्रसाद ओली, शेख हसीना, इनमें से कोई नहीं, एक से देख। बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए आपने मार्क कर लिया, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैत्रीपाला सिरिसेना, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, यही अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इन्होंने किन से लिया अध्यक्षता? खरगा प्रसाद ओली, इससे पहले थे नेपाल में, काठमांडू में जो मीटिंग हुई थी उसमें खरगा प्रसाद ओली थे। और ये क्या होता है, रोटेशन बेसिस पे बदलते रहता है, हर साल जब मीटिंग होगा तो मीटिंग के बाद जो अगले साल जहाँ मीटिंग होने वाली रहती है उसके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उसको दे दिया जाता है, तो मैत्रीपाला सिरिसेना। रनिल विक्रम सिंघे कौन है? ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ये बिम्स्टेक के चेयरमैन नहीं है। खरगा प्रसाद ओली है नेपाल के पीएम, और शेख हसीना बांग्लादेश के। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? नरेंद्र बत्रा, संदीप बत्रा, सोना महापात्रा, राजीव मेहता, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र बत्रा। संदीप बत्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सोना महापात्रा एक गायक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018, जिसे कि भारत ने इस बार होस्ट किया था 5 जून 2018 को, उसका थीम क्या था? क्लीन रिवर, क्लीन सोसाइटी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट एयर पोल्यूशन, ग्रीन फॉरेस्ट, क्लीन एयर, उसका थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था, भारत ने होस्ट किया था? चलिए इसका जवाब बताता हूँ। इसका जवाब था आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसलिए देखेंगे कई राज्यों में प्लास्टिक पर बैन हो रहा है धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्रालय किसके पास? सुशील कुमार मोदी, कपिल देव कामत, मंगल पांडे, नंद किशोर यादव, कोई नहीं, एक से अधिक।
मार्क कर लिया। चलिए इसका दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि होम मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास है। ठीक है, सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। कपिल देव कामत पंचायती राज के मिनिस्टर हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं और नंद किशोर यादव सड़क निर्माण के मंत्री हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इस साल का 2018 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, दिया गया है? भारत वटवानी, सोनम वांगचुक, सौम्या रॉय चौधरी, गिरीश सिंह करनाल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आपने मार्क कर लिया। चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक, क्योंकि भारत वटवानी और सोनम वांगचुक दोनों को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल 6 अवार्ड दिए गए थे इस बार। क्वेश्चन नंबर 28, इस बार के एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? विनेश फोगट, सौरभ चौधरी, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? चलिए इसका आंसर है दोस्तों बजरंग पुनिया। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने जीता है, और विनेश फोगट 50 किलोग्राम के कुश्ती में इन्होंने महिला में जीता है, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता है, और नीरज चोपड़ा जो कि ध्वजवार लग थे ओपनिंग सेरेमनी के, इन्होंने जेवलिंग थ्रो एथलेटिक्स में जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने गिरा। निम्नलिखित में से किसे 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड दिया गया? 5th यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, आशा भोसले, ऐश्वर्या राय बच्चन, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले। आशा भोसले को 5वां यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिला है। अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक एसोसिएशन का पहली वो महिला चेयरमैन चुनी गई है, कौन है भारतीय बैंक एसोसिएशन की महिला चेयरमैन, पहली अभी चेयरमैन महिला है कौन है? चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक की, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की, उषा अनंत सुब्रमण्यम इलाहाबाद बैंक की, या अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन है अभी इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष? चलिए इसका जवाब बताता हूँ, इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उषा अनंत सुब्रमण्यम इलाहाबाद बैंक है। तो आप मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, देखिए आपने 30 में से कितने मार्क्स लाए हैं, अपने कैलकुलेट करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, प्लीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और ब्यूटीफुल वीडियोज़ आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस आपके लिए होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।